चुकी थी कि कैसे वो डॉक्टर मिकाहुसी वहां तक पहुंचे थे। उन्होंने 21 दिन की इसकी तपस्या की थी और 21 दिन की तपस्या करने के बाद उनको ये एनर्जी, यूनिवर्स से उनको ये एनर्जी मिली। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम करा, फिर उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को जैसे सिखाया, ट्रेन करा, फिर उनसे आगे ट्रेंड हुई, फिर आगे आगे करते करते आज ये बहुत सारे मास्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। रेकी के 5 सिद्धांत है, मेन रेकी 5 सिद्धांतों पर बनाई गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। वैसे तो ये मैं आपको सारा दे दूंगी, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। केवल आज के दिन मैं अपना सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा, जस्ट फॉर टुडे आई डू माई ऑल वर्क विथ ऑनेस्टी। केवल आज हर पल मैं कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा, यानी कि मैं सब चीजों के प्रति, जो भी यूनिवर्स ने बनाई है उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ रहूंगा, वो जैसा है मैं उसको वैसा ही स्वीकार करूंगा। केवल आज के दिन मैं हर जीव से प्रेम व आदर करूंगा, सभी से प्यार करूंगा, सभी के प्रति काइंड रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा। यही रेकी के 5 सिद्धांत है। 6वां सिद्धांत जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया वो ये सिखाया कि किसी के भी जीवन में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से ही होती हैं। सबका अपना जीवन है, कई जगहों पे इंटरफेयर करना भी पड़ता है, लेकिन नॉट एवरी टाइम। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, आप सभी को पता है कि क्रोध करने से क्या होता है। क्रोध करने से किसी का कुछ नहीं जाता है, जो बीमार लोग जिसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके ऊपर जब आप उसको क्रोध करते हैं तो आप बीमार होते हैं, वो आपके लिए बीमारी का कारण है। क्रोध के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं मेन सिर्फ 2 चीजों पे काम करती हूँ। एक क्रोध होता है जो हमारे अंदर होता है और एक क्रोध होता है जो हमारे बाहर होता है। आप बता सकते हैं अंदर और बाहर क्रोध क्या? जो हमारे, देखो जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमें सिर्फ, हमें अंदर से गुस्सा नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने बाहर से गुस्सा करना है। बाहर से गुस्सा करने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ उस पर्सन को ये बताना है कि ये गलत है। जैसे कि घर में भी बच्चे हमें परेशान करते हैं, कभी डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा सिर्फ हमारा ऊपर से होना चाहिए, अंदर से नहीं होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए कि उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, एक सेकेंड, जैसे मैं अभी बोला कि जैसे हम कोई, हमारे सामने कोई गलत चीज हो रही है और हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमें वो गुस्से को ऊपर से करना है। अगर हम उस गुस्से को ऊपर से करेंगे तो वो गुस्सा हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कई जगह ऐसी होती है, जैसे कि स्कूल में टीचर को बच्चों पे गुस्सा करना पड़ता है, घर में बहुत सारी, हेलो, किसी ने बात करी क्या, किसी ने, बहुत सारी ऐसी हमारी मतलब बातें हो जाती हैं कि हमें बोलना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, क्योंकि तो चुप हमेशा भी चुप नहीं रह सकते ना। कहते हैं कि एक चुप 100 सुख, लेकिन क्वाइटर नेवर विंस, क्वाइटर नेवर विंस। जो चुप रहेगा वो फिर हमें कभी जीत भी नहीं पाएगा जीवन में, तो उसको बोलना भी पड़ेगा और अपने एग्रेशंस भी दिखाने पड़ेंगे, कभी कभी अपना गुस्सा भी जाहिर करना पड़ेगा। लेकिन वो गुस्सा ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ उस लेवल तक होना चाहिए, सिर्फ उसको बताने के लिए होना चाहिए। उस वो गुस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हम अपने आप को हर्ट करें। जिससे हम अपने आप को हर्ट करें ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो केवल आज का दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, अगर आप डेली इस मैसेज को भी
अपने एक ऐसा बड़ा सा पेपर बना लीजिए, नहीं तो जैसे ये मैं आपको भेजूंगी तो इसी को आप उसमें निकलवा के, प्रिंट आउट में निकलवा के अपने घर पे अपने किसी भी वॉल पे लगा लीजिए, ताकि आप रोज रोज उसको देखेंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आप सभी को पता है कि चिंता क्या होती है, एक चिता चिता के समान है ना, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। देखो, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में चिंता करने से हम कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप उसके लिए समर्पण करो, अपने भगवान के आगे उसको समर्पित कर दो। अगर आपको उसके लिए कुछ करना ही है तो चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, जिसको हम स्मरण बोलते हैं, स्मरण करो, उसकी माला का जाप करो। लेकिन चिंता करने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, चिंतन करने से सोल्यूशन मिलेगा। अपनी बात उस परमात्मा के सामने रखो कि ये मेरी जीवन में परेशानी है, इसका क्या सोल्यूशन है। मेडिटेशन भी हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक मैं आपको वेरी वेरी बिगनिंग, बहुत बिल्कुल स्टार्ट का पॉइंट बता रही हूँ कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कुछ समझो, पेपर पे लिख के मंदिर में रख सकते, और अगर पेपर पे नहीं भी लिखना चाहते तो ऐसे ही भगवान के सामने बोलो, 2-3-4 जितनी बार आपको याद आए उतनी बार अपनी बात उनके सामने रखो। तो वो एक तरीके से आपका चिंतन ही है, अगर आप माला लेके नहीं भी बैठे हो, लेकिन अगर आप बार बार भगवान जी के सामने अपनी बात रख रहे हो, उस यूनिवर्स के सामने, कुदरत के सामने अपनी बात रख रहे हो, तो वो भी एक तरीके का चिंतन ही होता है। तो चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, क्योंकि जो चीज हमारे बस में नहीं है उससे हम वो हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद है कि केवल आज के दिन हमारे को ईमानदार रहना है, अपने जीवन में ईमानदार रहना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबको मालूम है, लेकिन कभी कभी हम इतने मैच्योर भी हो जाते हैं। आप देखें, बड़ी बड़ी जॉब्स पे आने के बाद भी हम अपने ऑफिस से कई बार स्टेशनरी ले आते हैं, कई बार कुछ भी इस तरह की चीजें हम कर देते हैं एकदम, और हमें उस चीज का आभास भी नहीं होता, क्योंकि वो सब करते हैं तो हम भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं है वो तो कर्म उनको उनके कर्माज उनको उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको ये बात मालूम है, आपको समझ है, तो आपके कर्माज आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो इसलिए कर्माज उनको भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन अनजान को फिर भी भगवान एक पल के लिए माफी दे देता है, लेकिन जान जिसको सब कुछ पता है उसको थोड़ी सी पनिशमेंट ज्यादा मिलती है। तो इसलिए ऐसे काम ही नहीं करना है, ठीक है ना। हर चीज के प्रति ईमानदार रहना है, अपने शब्दों के प्रति। फैमिलीज के अंदर मैं देखती हूँ बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने के सामने ही आपको बेवकूफ बना देते हैं, आपको झूठ बना देते हैं, और आप सिर्फ उनको देखते रह जाते हो, आप कुछ नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर दुखते रहते हो। उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। अगर आप अपने आप से ईमानदार रहोगे, अपने आप से पॉजिटिव रहोगे, तो यूनिवर्स भी आपकी सहायता करेगा। और ये मेरी जिंदगी के अपने बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर आप ईमानदार हो ना, कहते हैं, मैंने बहुत पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो वो आता था रामायण आती थी, तो मैं देखती थी रामायण। तो रामायण के अंदर मैंने देखा कि जो ये युधिष्ठिर और ये जो 5 भाई थे पांडव, ये लोग किसी गुरुकुल में गए थे, और वो दुर्योधन भी गया हुआ था, वो लोग भी गए हुए थे। तो वहां पे लोग बच्चे जो थे वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और बहुत सारे जो बच्चे थे वो ऊपर उठे हुए थे, मतलब हवा में बैठे हुए थे। तो उनके गुरुजी ने उनको बोला कि जब हम सच का साथ देते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है, हम पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब हम पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं तो कहते हैं ना, मेरी जुबान काली जुबान हो गई है, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। अगर आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने जीवन में चल रहे हो, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो ये चीज मैंने तब से सीखी थी, और तब से मैंने हमेशा अपने जीवन में ये देखी, तो अभी सीखी है, लेकिन तब से ही मैंने अपने जीवन में इसको एक रूल बना लिया था कि मेरे को हमेशा सच का ही साथ देना है, सच ही बोलना है। और उसके बहुत सारे, मतलब जिंदगी में जितने जितने भी चीजें हुई, उन सब से कैसे मैं निकली, वो सब बस भगवान जी की कृपा है, और वो सब वो संस्कारों की का असर है जीवन पर।
तो वही संस्कार मैं यहाँ पर आपको भी बताने की कोशिश कर रही हूँ रेकी के माध्यम से। केवल आज मैं हर पल के प्रति कृतज्ञ, कृपा और आभार मानूंगा। हमें हमेशा हर चीज के प्रति आभार रखना चाहिए, चाहे वो हम आज जैसे कि कहते ना कि नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग के प्रति भी हमारा आभार होना चाहिए और नॉन लिविंग थिंग के। इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हैं, हम कंप्यूटर इस लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ इन गैजेट्स के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इन गैजेट्स के साथ जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो ये गैजेट्स तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन तब भी हम इससे एक दूसरे के साथ जुड़ के एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उसके प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। नॉन लिविंग सॉरी लिविंग थिंग्स के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हर चीज को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कुदरत, या तो आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप कुदरत से लड़ो, या तो फिर आप कुदरत को स्वीकार करें, ठीक है ना। या तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप कुदरत से लड़कर अपनी बात रख सको, सॉरी हाँ मैं कह रही थी, या तो आप में इतनी ताकत हो कि आप कुदरत से लड़ो, या तो फिर आपके अंदर उसके प्रति सिलेंडर हो जाए। जब आप सिलेंडर कर दोगे अपने आप को तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज के प्रति अपना आभार व्यक्त कर दोगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे कि हमारा मतलब जैसे हम लोग पास्ट लाइफ लेते हैं, हमारे पास हीलिंग्स होती हैं, सॉरी पास्ट लाइफ नहीं हीलिंग्स होती हैं। तो हीलिंग जब हम किसी की करते हैं, कई बार कोई लोग बहुत ही सीरियस भी लोग ऐसे आते हैं जिनका हमें पता चल जाता है कि ये इंसान अब मतलब नहीं बचेगा, इसको जाना ही है, लेकिन फिर भी एक होता ना आखिरी सांस तक हम कोशिश तो करते हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि वो उस इंसान ने नहीं बचना, तब भी उसको हीलिंग दी जाती है ताकि उसकी जो सोल है वो इजिली बाहर आ जाए। कई बार छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, कई बार किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है, या फिर किसी की बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, ऐसे लोग बहुत जल्दी से सिलेंडर नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने सोल को जल्दी से मतलब अपने बॉडी को जल्दी से नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब वो स्वीकार नहीं करते हैं इस सच्चाई को कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो फिर वो प्रेत योनि में आ जाते हैं। ये तो इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे को एकदम से ध्यान आया तो मैंने आपके सामने ये बात, कहने का मतलब यह है कि आपको हर चीज को स्वीकार करना है, वो जैसा भी है उसको स्वीकार करना है। कुदरत ने कुछ सोचकर ही आपके लिए वो चीज को बनाई है। आप उसको ठीक करना चाहते हो, आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, मेहनत करो, अपना स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चलो, या जो भी उस चीज से रिलेटेड है, जैसे कि किसी भी चीज से रिलेटेड है, आप उसके प्रति अपना काम करो, अपने कर्म करो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने कर्म करो। ईश्वर की कृपा होगी, जब आपका समय आएगा वो चीज अगर आपके लिए ठीक है तो ईश्वर आपको वो चीज देंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लोग आजकल यंग जनरेशन बहुत सारे अफेयर्स हो जाते हैं और वो जिद हो जाती है कि हमें तो इसी से शादी करनी है, और वो हमारे पास कहते हैं आप बस हीलिंग कर दो हमारी शादी हो जाए इसके साथ किसी तरीके। देखो शादी हो भी सब ऐसा नहीं, अगर आप हीलिंग करो या कुछ भी ऐसी एनर्जीज बहुत होती हैं आप उन पे काम करो शादी भी हो जाए, लेकिन क्या आप उस शादी में टिक सकते हो? नहीं टिक सकते। अगर कुदरत ने नहीं सोचा है तो शादी होने के बाद भी वो तलाक हो जाता है। तो इसलिए उसको स्वीकार करो कि जो कुदरत ने आपके लिए चुना है, ठीक है। जब हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जब हम अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, तो हम हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है, केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। जो भी संसार में बनाया वो सब प्रभु ने बनाया है और हम सब उस ईश्वर के बच्चे हैं, और जब हम उस ईश्वर के बच्चे हैं तो हमें जब हमें उस प्रभु से प्रेम है तो हमें उसके बच्चों से भी प्रेम होना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे रिलेशनशिप्स किसी किसी के साथ इतने खराब हो जाते हैं कि हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, उनसे बात भी करना नहीं चाहते, है ना।
तो ऐसे सिचुएशन पे हमें सिर्फ कॉर्ड कट करना है, क्योंकि जिस लेवल पे हम खड़े हैं, जब हम जब यहाँ पर आ गए हैं और भी मोडालिटीज के साथ हम जुड़े होंगे, यहाँ पर भी हम उस चीज को कर रहे हैं, तो हमारा लेवल उस लेवल से हाई हो चुका है, उस पर्सन से हाई हो चुका है, तो हमें उसको फॉरगिव करना चाहिए हमें उसके। लेकिन फॉरगिवनेस ऐसे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारी बहुत सारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, फॉरगिव नहीं हम उसे कर पाएंगे। एक दिन कर देंगे, फिर कुछ बात होगी, फिर हमको गुस्सा आ जाएगा, फिर कर देंगे, फिर कुछ बात होगी, फिर हमें गुस्सा आ जाएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले अंदर से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कॉर्ड कटिंग्स करेंगे, कॉर्ड कटिंग्स करने के बाद ही आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उसको प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अपने जीवन का नियम बनाते हैं, हर रोज बैठ के ये अफर्मेशन, ये 5 अफर्मेशन एवरी डे आप बोलते हैं, तो फिर आप उसको वो चीज ऑटोमेटिकली आपके जीवन में होने लगेगी। ठीक है ना? ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके जीवन में होने लग जाएंगी, और वो चीजें आपको अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो चीजें आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगी, जब वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में आपके आ जाएंगी। ठीक है ना? ये सब आप